नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में एवं सचिव उमेश कुमार सोनी के निर्देशन में एवं डाक विभाग ई गवर्नेंस व अन्य बैंकों के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जिले भर से भारी संख्या में लोग नया आधार कार्ड बनवाने व फोटो व पता एवं जन्म दिनांक अपडेट करवाने आए। कैंप में 5 माह के छोटे बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्गों के आधार कार्ड बनवाए गए। वहीं फुलगावड़ी निवासी संतोष मारू अपनी विकलांग पुत्री जो 22 साल की है उसका आधार कार्ड बनवाने कई सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आधार कार्ड नहीं बन रहा था। ऐसे में वो आज कैंप में अपनी पुत्री को आधार कार्ड बनवाने आए। इस कैंप के माध्यम से उनका आधार कार्ड बनवाने में सफल हुए। इसी प्रकार एक 57 साल की विकलांग महिला ने भी अपना नवीन आधार कार्ड बनवाया। कैंप में सैकड़ों व्यक्तियों ने आधार कार्ड अपडेट करवाया एवं नया आधार कार्ड भी बनवाया। प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय धार के मार्गदर्शन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार में आधार कैंप का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति जो निस्सहाय हैं, निर्धन हैं, उनके लिए कार्य करता है। आज उसी उपलक्ष्य में ऐसे व्यक्ति जिनके नए आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पा रहे थे उनके नए आधार कार्ड निःशुल्क बनाए जाने के लिए आधार कैंप आयोजित किया गया है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके आधार में अपडेट कराना था उनके आधार किसी कारणवश अपडेट नहीं हो रहे थे उसकी भी सुविधा आज दी गई है। जैसे किसी को अपना पता परिवर्तन कराना है, डेट ऑफ बर्थ परिवर्तन कराना है, नाम गलत हो गया उसका परिवर्तन कराना है, उन सभी सुविधाओं को देखते हुए आज सभी व्यक्तियों को जिला धार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज यहाँ पर आधार कैंप आयोजित किया गया है। सभी नागरिकों से अपील है यदि किसी व्यक्ति का किसी कारणवश आधार अपडेट या नया आधार बनने में कोई दिक्कत जाती है। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।